आज की हमारी कहानी सांप और नेवला। उज्जैनी नगर में माधव नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। उसके कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उसकी पत्नी ने एक नेवले के बच्चे को पाल लिया। ब्राह्मणी उस नेवले से बेहद प्यार करती थी। वह उसके रहने तथा खाने पीने आदि पर विशेष रूप से ध्यान देती। ईश्वर की कृपा से एक दिन वह गर्भवती हो गई और निश्चित समय पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार पुत्र और नेवला दोनों साथ साथ पलने बढ़ने लगे। एक दिन ब्राह्मणी अपने पुत्र की रक्षा की जिम्मेदारी अपने पति माधव को सौंपकर मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करने चली गई, लेकिन कथा आरती आदि के कारण उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। माधव ब्राह्मण अपने पुत्र की देख रेख में लगा हुआ था कि तभी उसके पास नगर सेठ की ओर से निमंत्रण आ गया। इस पर माधव ने सोचा कि यदि वह समय पर वहां नहीं पहुंचा तो नगर सेठ किसी अन्य ब्राह्मण को बुला लेगा। ऐसी स्थिति में उसे उत्तम भोजन तथा दान दक्षिणा आदि से वंचित रहना पड़ेगा। लेकिन समस्या यह थी कि उसकी पत्नी अभी तक मंदिर से नहीं लौटी थी। वह पुत्र की देखभाल का जिम्मा आखिर किसे सौंप कर जाता? वह इस विषय में सोच ही रहा था कि उसे नेवले का ध्यान आ गया। पुत्र की सुरक्षा का दायित्व नेवले को सौंपकर वह नगर सेठ के घर की ओर चल दिया। नेवला बच्चे के पालने के पास बैठकर मुस्तैदी से अपना कर्तव्य निभाने में लगा हुआ था। लेकिन यह क्या, तभी वहां कहीं से एक काला सांप घर में प्रविष्ट होकर बच्चे के पालने की ओर बढ़ा। यह देखकर नेवला सतर्क हो गया। उसने सोचा कि यह सांप बच्चे की ओर ही बढ़ रहा है, इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए नेवले ने सांप पर आक्रमण कर दिया। काला सांप बड़ा ही विकराल था। वह नेवले से जूझ पड़ा। काफी देर तक दोनों में संघर्ष होता रहा। अंत में नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े करके उसे समाप्त कर दिया। संयोगवश जिस समय ब्राह्मणी ने घर की चौखट पर कदम रखा, उसी समय ब्राह्मण भी आ गया। उसने अपने मालिक और मालकिन को देखा तो वह खुशी से उछलने लगा। नेवले को इस प्रकार उछलता देखकर दोनों ही लोग अचानक अपने मन में शंका करने लगे कि आखिर क्या बात है। नेवले के मुंह पर और हाथों पर रक्त भी लगा हुआ था। ब्राह्मण ने नेवले को गोद में उठा लिया। तभी उसकी निगाह नेवले के मुंह पर पड़ी, जो रक्त से सना हुआ था। यह देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी विलाप करने लगे। उनके मन में तरह तरह की आशंकाओं ने घर कर लिया। उन्होंने सोचा कि इस नेवले ने उनके पुत्र को मार डाला है। फिर क्या था, क्रोधवश सच्चाई का पता लगाए बिना ही उन लोगों ने नेवले को पीट पीट कर मार दिया। जब माधव और उसकी पत्नी घर के अंदर कक्ष में प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं कि बच्चा तो आनंद पूर्वक पालने में सो रहा है, लेकिन उस पालने के पास ही एक काले सांप के टुकड़े पड़े हैं। यह देखकर उन्हें सारी बात समझ में आ गई। अब उन्हें नेवले को मार डालने का बहुत अफसोस था, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। ब्राह्मण ने बिना विचार किए, बिना सोचे समझे अपने पुत्र की रक्षा करने वाले उस रक्षक निरपराध नेवले को मार डाला था। इस प्रकार उसने अपना अनिष्ट स्वयं ही कर लिया था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें क्रोधवश बिना सोचे समझे कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस कार्य का परिणाम बुरा ही होता है। क्रोध हमारी बुद्धि पर अपना कब्जा करके हमसे गलत कार्य ही करवाता है। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले हमें विचार करना चाहिए। क्रोध में आके कभी भी कोई न निर्णय लेना चाहिए और ना ही कोई कार्य करना चाहिए। ओके, बाय।